भाई आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर से। और दोनों प्रोसेसर को भाई आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो रियलमी 3 प्रो है जो आजकल 10,000 के अंदर हमको मिल रहा है, वहां पर हमको 7 सीरीज का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है जो मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710। साथ ही साथ 9611 की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर आपको 9611 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, उसी के साथ में सैमसंग गैलेक्सी A51 के अंदर भी हमको यही प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोनों ही बजट सेगमेंट के प्रोसेसर हैं, दोनों ही अच्छे प्रोसेसर हैं, डिसेंट प्रोसेसर हैं। इस वीडियो के अंदर करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। लॉन्च डेट से स्टार्ट करते हैं। एक्सिनोस 9611 लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 2019 को, वहीं पर स्नैपड्रैगन 710 लॉन्च हुआ था 24 मई 2018 को। यानी कि रिकॉर्डिंग डेट पर अगर बात की जाए तो एक्सिनोस 9611 बहुत ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 710 तकरीबन 1.5 साल पुराना प्रोसेसर हो चुका है। सीपीयू क्लॉक स्पीड की अगर बात करें भाई तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको ड्यूअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पर कोर्स को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले जो 4 कोर है एक्सिनोस 9611 के अंदर वो मिलता है आपको परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A73 CPU, जिसको क्लॉक किया गया है 2.3 GHz पे। जो बचे हुए 4 कोर है वो मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉर्टेक्स A53 CPU और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.7 GHz की। तो डिसेंट यहाँ पर CPU आपको देखने के लिए मिल जाता है, हालांकि थोड़ा सा पुराना CPU है A73 और A53, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। यहाँ पर बात करें हम स्नैपड्रैगन 710 की तो यहाँ पर आपको 2 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 360 गोल्ड वाला, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A75 पे, और क्लॉक स्पीड आपको यहाँ पर मिल जाती है 2.2 GHz की। जो बचे हुए 6 कोर है वहाँ पर आपको मिलता है क्रायो 360 सिल्वर वाला, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A55 पे, और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.7 GHz की। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्लॉक स्पीड तो आपको एक्सिनोस 9611 में हल्की सी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर वहाँ पर आपको मिलती है 2.3 GHz की, स्नैपड्रैगन 710 में मिलती है 2.2 GHz की। लेकिन 710 के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर्स मिलते हैं, लेटेस्ट सीपीयू मिलता है आपको यहाँ पर कॉर्टेक्स A75 वाला। तो यहाँ पर सीपीयू के मामले में स्नैपड्रैगन 710 मेरे हिसाब से बेटर है। दोनों प्रोसेसर की सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस की। फैब्रिकेशन प्रोसेस एक्चुअल में ये होता है कि जब प्रोसेसर बनाया जा रहा है तो जो उसमें जो सेमीकंडक्टर्स लगाए गए हैं उनका साइज क्या रखा गया है, और सेमीकंडक्टर का साइज जितना कम होता है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, एनर्जी एफिशिएंसी उतनी बेटर देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ हीटिंग का इशू भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दोनों प्रोसेसर की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर एक्सिनोस 9611 और स्नैपड्रैगन 710 दोनों ही प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बने हुए हैं, यानी कि दोनों ही प्रोसेसर सेम है सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में। सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात करें भाई तो एक्सिनोस 9611 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, यानी कि टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर में आपको 8-8 कोर मिलते हैं। जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करें, एक्सिनोस 9611 के अंदर आपको मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला माली G72MP3 जीपीयू, और इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट मिलती है भाई, यानी कि एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर के अंदर आपको डिसेंट गेमिंग और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस मिल जाती है। मैंने इसमें गेमिंग करके देखी है सैमसंग गैलेक्सी M30s में, और वहाँ पर आपको डिसेंट गेमिंग का परफॉर्मेंस मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 710 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से एड्रेनो 616 जीपीयू देखने के लिए मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं बेटर है आर्म माली G72MP3 जीपीयू से। और भाई मैंने पर्सनली इस प्रोसेसर के साथ में गेमिंग तो नहीं की है, लेकिन इसके जो रिव्यूज है वो बहुत अच्छे निकल के आते हैं, इस जीपीयू से आपको काफ़ी तगड़ी गेमिंग की परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो जीपीयू के मामले में स्नैपड्रैगन 710 बेटर लगता है एक्सिनोस 9611 से। भाई रैम सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सिनोस 9611 और स्नैपड्रैगन 710 दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है,
जहां पर हम बात करें मैक्सिमम रैम साइज की, तो एक्सिनोस 9611 के अंदर आपको 6GB तक की रैम देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन स्नैपड्रैगन 710 के साथ में आपको मैक्सिमम 8GB तक की रैम देखने के लिए मिल सकती है। तो रैम साइज के मामले में तो स्नैपड्रैगन 710 बेटर है, लेकिन जब हम बात करते हैं रैम फ्रिक्वेंसी की, तो एक्सिनोस 9611 के अंदर आपको 2093 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर स्नैपड्रैगन 710 के अंदर आपको 1866 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है। तो रैम सपोर्ट दोनों के अंदर मैं बराबर बोलना चाहूंगा, एक तरफ आपको बेटर रैम साइज मिल जाता है, लेकिन एक्सिनोस 9611 के अंदर आपको बेटर रैम फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, इसलिए हल्का सा एडवांटेज चले जाता है एक्सिनोस 9611 को, क्योंकि रैम साइज उतना मैटर नहीं करता है भाई जितना रैम का स्पीड मैटर करता है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर हम बात कर ले, तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब भाई ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई ऐसा फ़ोन परचेस करते हैं जिसके अंदर इन दोनों में से एक प्रोसेसर लगा हुआ है, तो हमको ये ध्यान देना है कि वहाँ पर कौन सा स्टोरेज हमको देखने के लिए मिलता है। अगर UFS 2.1 मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको रीड राइट की स्पीड काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर EMMC 5.1 मिलता है, जो कि अधिकतर फ़ोन्स में मिलता है, तो भाई यहाँ पर ये इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, डिसेंट आपको रीड राइट की स्पीड मिलेगी। लेकिन UFS 2.1 अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ी रीड राइट स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पर सेम है। कैमरा सपोर्ट की अगर हम बात करें भाई, तो एक्सिनोस 9611 के अंदर अगर आप सिंगल कैमरा यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम कैमरा साइज आपको मिल सकता है 64 MP तक का, और डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल सकता है 16+16 MP तक का। वहीं पर हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 710 की, तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है 16+16 MP तक का, जहाँ पर आपको मिल जाता है MFNR और ZSL का सपोर्ट, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 30 FPS का फ्रेम रेट मिल जाता है। अगर 25 MP का सिंगल कैमरा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको MFNR और ZSL का सपोर्ट तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ 30 FPS का आपको यहाँ पर फ्रेम रेट मिल जाता है। और अगर 48 MP का सिंगल कैमरा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ZSL का सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर केवल आपको MFNR का सपोर्ट मिलेगा। और अगर MFNR का सपोर्ट भी हटा दिया जाए, तो मैक्सिमम कैमरा साइज आपको मिल सकता है 192 MP तक का। तो कैमरा सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आपको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 710 में। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में ऑब्वियसली विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 710। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें भाई, तो एक्सिनोस 9611 के अंदर आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पे, फुल HD प्लस यानी 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 480 FPS पे, और HD क्वालिटी में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं यानी कि 720 पिक्सल पे, तो यहाँ पर फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 960 FPS का, यानी कि स्लो मोशन वीडियो यहाँ पर आपको HD क्वालिटी में बहुत तगड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पर बात की जाए स्नैपड्रैगन 710 की, तो यहाँ पर भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 4K वीडियो 2160 पिक्सल पे आपको फ्रेम रेट मिलता है 30 FPS का, फुल HD प्लस यानी 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो में फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 120 FPS का, और 720 पिक्सल्स पे यानी HD क्वालिटी में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर आपको 240 FPS का ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्रेम रेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्लो मोशन उतना ज़्यादा बेटर नहीं मिलता है जितना एक्सिनोस 9611 में मिलता है, तो यहाँ पर वीडियो कैप्चर के मामले में एक्सिनोस 9611 बेटर हो जाता है, क्योंकि दोनों प्रोसेसर के अंदर आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन स्लो मोशन के मामले में 960 FPS स्लो मोशन आपको देखने के लिए मिलता है एक्सिनोस 9611 में, इसलिए यहाँ पर वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में विनर बनता है एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात की जाए, एक्सिनोस 9611 के अंदर आपको मिलता है WQXGA डिस्प्ले का सपोर्ट, जहां पर रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 1600x2560 पिक्सल्स का। स्नैपड्रैगन 710 की जहां हम बात करते हैं, तो यहां पर क्वाड HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जहां पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन हमको मिल जाता है 1440x3360 पिक्सल्स का। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 710 बेटर है एक्सिनोस 9611 से। अब भाई LTE मॉडेम की अगर बात की जाए, तो एक्सिनोस 9611 के अंदर आपको इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम देखने के लिए मिलता है भाई, जहां पर डाउनलिंक के लिए आपको मिलती है Cat12 मॉडेम, और डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 600 Mbps की। अपलिंक के लिए यहां पर आपको मिलती है Cat13 मॉडेम, और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। बात करें स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X15 LTE मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर डाउनलिंक के लिए आपको मिलता है Cat15 मॉडेम, और डाउनलोड की स्पीड आपको मिल जाती है 800 Mbps तक की।
अपलिंक के लिए यहाँ पर आपको कैट 13 मॉडेम ही देखने के लिए मिलता है और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। तो भाई LTE मॉडेम के मामले में हल्का सा एडवांटेज चला जाता है स्नैपड्रैगन 710 को, क्योंकि यहाँ पर आपको डाउनलिंक के लिए एक बेटर मॉडेम देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ डाउनलोड स्पीड भी बेटर देखने को मिलती है। एंटूटू स्कोर्स की बात की जाए भाई, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक्जिनोस 9611 को थोड़े से ज़्यादा पॉइंट मिले हैं स्नैपड्रैगन 710 से। एक्जिनोस 9611 को मिलते हैं 1,70,068 पॉइंट, वहीं पर स्नैपड्रैगन 710 को मिले हैं 1,66,935 पॉइंट। कहीं ना कहीं दोनों के एंटूटू स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, हल्का सा डिफरेंस मिलता है, लेकिन केवल और केवल नंबर्स की बात करें तो एक्जिनोस 9611 को ज़्यादा स्कोर मिला है स्नैपड्रैगन 710 से। तो एंटूटू के हिसाब से बेटर परफॉर्मर एक्जिनोस 9611 है। Geekbench स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Exynos 9611 को सिंगल कोर में मिलते हैं 1,690 पॉइंट, वहीं पर Snapdragon 710 को सिंगल कोर में मिले हैं 1,899 पॉइंट। तो यहाँ पर Geekbench स्कोर के हिसाब से सिंगल कोर में विनर है Snapdragon 710। मल्टी कोर की अगर बात करें तो Exynos 9611 को मिलते हैं 5,540 पॉइंट, वहीं पर Snapdragon 710 को मल्टी कोर में मिले हैं 5,966 पॉइंट। तो Geekbench स्कोर के हिसाब से तो Snapdragon 710 बेटर परफॉर्मर है Exynos 9611 से, लेकिन हमने बात करी थी एंटूटू की, तो वहां पर Exynos 9611 बेटर था Snapdragon 710 से। तो ओवरऑल बात करें Geekbench स्कोर की तो यहां पर 710 विनर निकल के आता है। तो भाई ये था कंपैरिजन सैमसंग Exynos 9611 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर से, और भाई इस बैटल का क्लियर विनर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर। रीजंस क्या है? बेटर सीपीयू आपको मिल जाता है, एक अच्छा जीपीयू आपको देखने के लिए मिल जाता है, कैमरा सपोर्ट बेटर मिलता है, डिस्प्ले सपोर्ट बेटर मिलता है, साथ ही साथ एक बेटर LTE मॉडेम आपको 710 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल जो पैकेज है वो अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर में। भाई आप मेरे को कमेंट करके बताना कि अगर आप ये कंपैरिजन को देखते हैं तो आपको कौन सा प्रोसेसर बेटर लगता है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।